सब्सक्राइब कीजिए निटर एंड क्राफ्टर योगिता चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए ये टावल पर कढ़ाई कर करके बताएंगे कि आप अपने सिंपल से टावल को कैसे कढ़ाई कर सकते हैं और इसे आप कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं, अपने फ्रिज पे या टेबल वगैरह पे। ये देखिए, इसकी कढ़ाई कुछ इस तरह से आती है, तिरछी तिरछी, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और बनाने में भी काफ़ी आसान है। तो हमें इसके लिए इस तरह का टावल चाहिए ये, और इसमें हम ये देखिए, ये थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं होल टाइप, तो हम इसमें 7 लाइन छोड़ देंगे। ये देखिए, और ये इससे दूसरा छोड़ के दूसरे में हम ये लगाएंगे, एक छोड़ के दूसरे में, ये थोड़ा सा गलत हो गया, दूसरे में लगाएंगे हम ये, देखिए, और इसको वापस इसी में निकाल लेंगे, और फिर हम ये इसके साइड वाले में, ये यहाँ से साइड वाले में निकालेंगे, फिर हम इसको वापस इसी में निकाल लेंगे, फिर इस इधर से निकालेंगे, फिर इस इधर, ये देखिए, और फिर हम इसको इस साइड से निकालेंगे ऐसे, और हम ये फिर 2 होल छोड़ देंगे, फिर से ये इसको धागे को ऐसे निकाल लेंगे। अब हम फिर से ये दूसरे होल में लिया हमने एक छोड़ के, और ये फिर से हम इसको दूसरे में लेंगे, और फिर से ऐसे ही पत्ती बना लेंगे, सिर्फ इसमें हमें ये लाइनों का ध्यान रखना है, बाकी पत्ती इस सेम एक जैसी ही बना रही है और आपको वही डिजाइन बना चला आएगा। आप चाहे तो ये वाली कढ़ाई आप चावल की बोरी वगैरह पे भी कर सकते हैं, जो चावल के बोरे वगैरह आते हैं प्लास्टिक वाले, आप उस पर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उस पर भी आपको ये वाली कढ़ाई कर करके बता दूंगी। ये देखिए, इसी तरह से हमें सेम पत्तियां बनानी है। फिर से हम ये 2 होल छोड़ देंगे और इधर से भी 2 होल छोड़ देंगे। और फिर इसके सामने वाले में ऐसे ही पत्ती बना लेनी है। ये हमने पत्ती बना ली, और फिर ये धागा इसके सामने वाले में 2 लाइन छोड़ करके ये दूसरे में, और फिर इधर तिरछी बना लेनी है। इसी तरह से हमें ये बनाते चले जाना है, और ये ऐसे डिजाइन बनता चला आएगा। ये देखिए, फिर हमने पत्ती बना ली, और फिर से ये 2 छोड़ के इधर से, और ये ऐसे सेम इसी तरह से ये पूरी कढ़ाई करनी है। इसको कोई भी टफ नहीं है बनाने में, और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, चलिए मिलते हैं।